हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम श्रीपाद नाइक एंड यू आर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंगल। देखो, पिछले वाले एपिसोड में हमने पोल पिच और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल क्या होता है वो देखा है। अगर आपकी कंसेप्ट्स वहाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल के बारे में थोड़ी फार क्लियर नहीं हुई हो, मतलब हो तो गई होगी, लेकिन उसके डिटेल में अगर आपको जाना है कि मैकेनिकल एंगल हमेशा चेंज होता है लेकिन इलेक्ट्रिकल एंगल वाई इट इज़ ऑलवेज 180 डिग्री, तो इस वेवफॉर्म से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये खास एपिसोड आपके लिए लिया है, इसके कंसेप्ट्स आपके लिए क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंगल। तो देखो, ये एक साइकिल मैंने ड्रॉ की है। वन साइकिल इज इक्वल्स टू ऑलवेज 2π रेडियन, आपको पता है। ठीक है, और मैंने अगर यहाँ कहा नॉर्थ पोल और ये कहा साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, और एक साइकिल ऐसी प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ देखो, पोल पिच का डिस्टेंस क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स। तो नॉर्थ और साउथ के बीच का एंगुलर डिस्टेंस ये भी है और ये भी है, मतलब ये एक पोल पिच हुई। ठीक है, पोल पिच, और ये भी पोल पिच है। ठीक है, तो मैं यहाँ मार्क करता हूँ, इट इज़ वन पोल पिच। ठीक है, तो वन पोल पिच इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, आपको पता है। तो 0π 2π, तो पाई मतलब 180 डिग्री, तो ये एक पोल पिच आपकी हो गई। ठीक है, तो एक पोल पिच आपकी हो गई, और यहाँ 360 डिग्री मैकेनिकल एंगल है और इलेक्ट्रिकल एंगल भी 360 डिग्री है। देखो, 2π मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एंगल थीटा एम इज इक्वल टू थीटा ई, ऐसा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू मैकेनिकल एंगल फॉर नंबर ऑफ पोल्स टू, टू नंबर ऑफ पोल्स के लिए। लेकिन अगर मानो मैंने यहाँ फोर पोल्स ड्रॉ किए, ठीक है, तो फोर पोल्स अगर मैंने यहाँ ड्रॉ किए कुछ इस तरह से, ठीक है, तो देखो फोर पोल्स अगर ड्रॉ मैंने किए तो यहाँ कैसे प्रोड्यूस हुआ? ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, ऐसे फोर पोल्स मैंने ड्रॉ किए। तो मैकेनिकल एंगल जो होता है 360 डिग्री, वो ऑलवेज 360 डिग्री ही रहेगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिकल एंगल चेंज हुआ है 180 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंगल चेंज कैसे हुआ है? देखो, यहाँ पोल पिच का डिस्टेंस वही रहेगा, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स। तो दो पोल्स के बीच का एंगुलर डिस्टेंस अभी ये हो गया वन पोल पिच। ठीक है, तो वन पोल पिच ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल रहती है। ठीक है, तो यहाँ कैसे हो गया? 0π 2π 3π 4π इन इलेक्ट्रिकल वे। तो इलेक्ट्रिकल एंगल यहाँ चेंज हो गया, मैकेनिकल एंगल 360 डिग्री ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ कैसे हो गया? थीटा मैकेनिकल इज इक्वल्स टू 2 times थीटा इलेक्ट्रिकल, ऐसा हो गया। मतलब थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू थीटा मैकेनिकल बाय 2 फॉर 4 number of poles, ऐसा हम कह सकते। वैसे ही और एक एग्जाम्पल हम लेते, अगर मैंने यहाँ मानो ड्रॉ किए 6 poles। ठीक है, तो 6 pole मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो 6 pole अगर मैंने ड्रॉ किए तो ये ऐसे आ जाएंगे 6 poles। तो 0π 2π 3π 4π 5π और 6π। तो ठीक है, यहाँ भी कैसे होगा? नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल यहाँ आपको मिल रही है, वहाँ मैकेनिकल एंगल आपका कम हो गया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? ये P इक्वल टू 6 के लिए है, नंबर ऑफ पोल्स 6। तो यहाँ भी थीटा मैकेनिकल 360 डिग्री है, लेकिन थीटा इलेक्ट्रिकल आपका हमेशा चेंज होता जा रहा है, मतलब पूरा जो सर्कल है तो सर्कल का इलेक्ट्रिकल एंगल हमेशा चेंज होता जा रहा है, और वन पोल पिच इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते, इफ नंबर ऑफ पोल चेंजेस देन इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल एंगल चेंजेस बट इलेक्ट्रिकल एंगल बिटवीन टू पोल्स ऑलवेज रिमेन्स 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमें मिल गया कि दो पोल के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल ऑलवेज 180 डिग्री रहेगा, भले ही हमारा मैकेनिकल एंगल यहाँ चेंज होता जा रहा है फॉर चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। तो ये कंसेप्ट थी इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंगल। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से अभी आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।